मेरे पास प्रूफ है और मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाने को 10 वीडियो डिलीट करना पड़ा, 6 साल के बाद स्ट्राइक आया यार। जी तो कैसे यार भाई, देखो बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार अभी मैं थोड़ा दिक्कत था, लेकिन आज वैसे इतनी भी दिक्कत नहीं थी। बड़ा हरामी हो बेटा। अब मैं रहता हूँ, इतना ज्यादा शोर होता है ना कि मतलब हद हो गई है। ये भगवान क्या जुलूम। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा पकाते हुए नहीं कि मैं, देखिए मेरे को भाई स्ट्राइक आया हुआ है, वो भी कॉपीराइट स्ट्राइक, वो भी 1 साल के बाद स्ट्राइक आया यार। तो मेरी मतलब कि मैं सोचा कि यार अब क्या हो गया, तो हद हो गया यार, 1 साल के बाद स्ट्राइक क्यों आया। तो भाई मेरे को 10 वीडियो डिलीट करना पड़ा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं आपको दिखाता हूँ किस वीडियो पे आया, किस वजह से आया, वो भी 1 साल बाद आया है। तो ज्यादा बासर ना देते, चलिए शुरू करते हैं। वैसे शुरू तो है ही है। पुष्पा पे मतलब कि वीडियो बनाया था कि कैसे आप पुष्पा मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। और उस पे व्यूज बहुत अच्छा खासा आता था, मतलब कि बहुत ज्यादा व्यूज आ रहा था। तो मतलब कि इतना मतलब लगभग उस पे 1 साल से व्यूज आ रहा था, लेकिन 1 साल में कभी भी ऐसा स्ट्राइक मतलब आना चाहिए तो पहले आ जाना चाहिए था ना, पर ऐसा नहीं हुआ। भाई मेरे पास प्रूफ है और मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। भाई मेरे पास स्ट्राइक 1 साल के बाद आया है। भाई हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। पुष्पा के चक्कर में भाई मेरी वाट लग गई। भाई ये देख सकते हैं, ये मेरा चैनल, ये चैनल मेरा डैशबोर्ड चैनल है। और मैं आपको देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स। तो भाई देखो एक मेरे ये आ चुका है मेरे चैनल पे, और ये अभी 2 दिन पहले आया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए वार्निंग पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे वार्निंग पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा किस वजह से आया है और किस कंटेंट पे आया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए इफ़ दिस हैपेंस अगेन, देखिए यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे वार्निंग देखिए केवल लिखा है कि केवल वार्निंग दिया है, और शायद मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, शायद इस वजह से पुष्पा मूवी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कंटेंट रिमूव्ड, तो यहाँ पे कंटेंट जो है, जो हमारा था पुष्पा मूवी का कंटेंट, वो रिमूव कर दिया। इसमें में दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, देखिए अपील रिजेक्टेड। तो मैंने अपील किया था कि आप एक बार चेक करिए कि कहीं मेरा गलती से तो नहीं हो गया, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अपील रिजेक्ट कर दिया, थैंक यू फॉर योर अपील। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर रिव्यू के बाद, देखिए पुष्पा मूवी डाउनलोड करने का ये मतलब कि रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। तो भाई यही मैं इस पर बहुत सारा वीडियो बना रखा हूँ, मतलब कि बना रखा था, मतलब कि 8-10 वीडियो, इस वजह से मैंने वो सारा वीडियो डिलीट कर दिया। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आपको क्या गलती नहीं करना है जिसके वजह से आप पे स्ट्राइक ना आए, क्योंकि 1-1 साल बाद भी देखो, 1 साल के बाद पूरा आया मेरे पास स्ट्राइक। तो यहाँ पे देख सकते हो 25 दिसंबर को आया है। तो भाई इस पर मैंने कि जैसे मैंने दो एक वीडियो नहीं, कम से कम 8-10 वीडियो बनाया था टोटल, कैसा मूवी अलग अलग मतलब टॉपिक पर डाला था। और अभी मैंने जल्द में अवतार डाला था कि अवतार मूवी कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, और उस पर 2 दिन में ही मतलब काफी ज्यादा व्यूज आ गया था। तो मैं डर के वजह से मुझे वो डिलीट करना पड़ा क्योंकि हाँ अगर आप लोग ये करते हो तो आप लोग सावधानी रखो, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या चीज दिक्कत है जिसके वजह से आपको ये चीज नहीं करना है। गलती किया गया था कि जो मूवी है, ठीक है मूवी मैंने उसमें दिखाया कैसा ये मूवी डाउनलोड कर सकते हो, मतलब पूरा वो दिखाया, जिसके वजह भाई स्ट्राइक आ गया है कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ, उसमें लिखा गया कि ये वायलेंस है, इस वजह से भाई मेरे को स्ट्राइक आ गया है, वो भी 1 साल के बाद। आपको क्या नहीं करना है, जब भी आप कोई मूवी बता रहे हो तो आपको जब मूवी जहाँ जो मूवी डालते हो, पहली बात तो उसका टाइटल नहीं डालना है। अगर आप टाइटल डालते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा डाल तो चलेगा, लेकिन आपको जो लाइन है वो नहीं डालना है। और दूसरी बात, मान लो डालते हो ठीक है, लेकिन जब आप डाउनलोड करने के लिए बताते हो तो आपको वहां पे पूरा नहीं बताना है, मतलब जो आप दिखाते हो उसे आप ब्लर करके दिखाओ ताकि भाई ये वायलेंस ना हो। इसी वजह से मेरा स्ट्राइक आया, मैंने जो मतलब कि जो यूट्यूब ने भेजा था मेरे पास, मैंने उसे अच्छे से स्टडी किया, तो उसमें यही लिखा था कि आप ये ऐसी गलती किए हो, ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी। सही कह रहे हो सर आप, बहुत सही कह रहे हो। नहीं यार ज्यादा हो गया। तो भाई ये इन चीजों का ध्यान रखिए ताकि आप स्ट्राइक से बचे रहे, जानते हो अगर 3 स्ट्राइक आ गया तब तो गई भैंस पानी में। तो मैंने एक मैं सारा डिलीट कर दिया ताकि मेरा बचा रहे। अब दुख तो हुआ थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया हूँ यार, लगभग 2 सालों से वीडियो बना रहा हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, देख लो। ले फिर आ गए, अब राज्य खुश है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो बस मेरा इस वीडियो में यही बताना था, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो।
और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।